अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हैप्पी लाइफ विद मोना। आज हम आपको सिखाएंगे आलू की तरकारी बनाने की तरकीब, बहुत ही फास्ट और इजी रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए 3 मीडियम साइज़ के आलू, 1 टमाटर, 1-2 हरी मिर्चें। मसाले हमें चाहिए लाल साबुत मिर्च 3-4 अदद, जीरा 1 टीस्पून, सौंफ 1/2 टीस्पून, कलौंजी 1/2 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। दोस्तों, अब हम तेल में, ऑयल में जीरा, कलौंजी और सौंफ डालेंगे सबसे पहले, और लाल साबुत मिर्चें। इसे हम ऑयल में फ्राई करेंगे कि खुशबू आने लगे। अब खुशबू आने लगी, अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। पिसी मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। अब हम शामिल करेंगे आलू और टमाटर। हरी मिर्च हम लास्ट में डालेंगे पकने के बाद। थोड़ी देर आलू पका के 1 कप पानी डाल के इन्हें गलने के लिए रखेंगे 15 से 20 मिनट। हम इसमें 1 से 1.5 कप पानी डाल के ढक के आलू गलने के लिए रखेंगे। दोस्तों, 10 मिनट्स हो गए, अब हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, इसका रोगन ऊपर आ गया है, आलू गल गए हैं 15 से 20 मिनट में। अब इसको, इस पॉइंट पे आलूओं को थोड़ा चमचे से मसल लेंगे, फिर डिश आउट करेंगे। अब हम इस पॉइंट पे, इस पे दोस्तों आलू की तरकारी रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पे आने वाली मज़ीद वीडियो देख सकें।